नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 9 सितंबर। आज के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित ये श्रृंखला है, किसी भी आगामी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उसके पहले हम 8 सितंबर के करंट अफेयर का रिविज़न कर लेते हैं, जो कि कल के सेशन में हमने किया था। रोज़ सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत होता है। यूट्यूब पर ये 7 बजे पब्लिश होता है। आप लोग इसको ज़रूर देखें। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, जिससे हमको पता चल पाए कि आप इसको पसंद करते हैं, और शेयर करके अपने स्टेटस के माध्यम से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिस भी ग्रुप में हैं, इसको इतने लोगों तक पहुंचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ तो उठा ही पाएँ, साथ में हमको भी पता चले कि ये सेशन हमको चलाना चाहिए या नहीं। चलिए, 8 तारीख के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। आप अगर इसको देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा के फिर आगे जाइएगा, जिससे कि हमको अंदाजा लग सके कि ये आपके काम का है या नहीं। सितंबर 2023 में भारत ने अमेरिका द्वारा आयातित किस वस्तु पर सीमा शुल्क कम नहीं किया? तो ये बादाम पर किया, अखरोट पर किया, दाल पर किया, गेहूं पर नहीं किया। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूरोपीय जलवायु सेवा कॉपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा? तो ये जुलाई 2023 है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने 7 सितंबर 2023 को मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। और इस मिशन में जापानी स्पेस सेंटर, नासा और इसरो, तो इसरो इसमें शामिल नहीं है, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। अगला जो प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बांस की प्रजाति सिजो स्टेचियम अंडामेनिकम पाई जाती है, ये सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना ये 1890 में हुई थी, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। सप्ताह भर के करंट अफेयर को रिवीजन की दृष्टि से हमने एक साथ कंपाइल करके आपके सामने डिस्कस किया है, उसको भी देखिएगा। हर दिन का घटनाक्रम बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कुछ भी आप नहीं भूलेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 6 महीने, 7 महीने का करंट अफेयर, साल भर का करंट अफेयर कब आपका तैयार हो जाएगा? रिवीजन बार बार हो जाएगा, आपके दिमाग को भी नहीं पता चलेगा, कोई भार नहीं महसूस होगा। फिनटेक के बारे में ये दो कथन है, ऐसी कंपनी जो अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करती है, और ये एक ही समय में विभिन्न वित्तीय सेवाओं को पेश करते हैं। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। जल जीवन मिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट हैं। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2019 को किया गया। जल शक्ति मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल एजेंसी है। और तीसरा है 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो यह हिंडन गाजियाबाद है और यह पड़ता है यूपी में। यूपी स्पेशल का भी सवाल है। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है कांस्य पदक। वानुअतु के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है सातो किलमन, बी ऑप्शन करेक्ट है। और भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? तो यह है आरोग्य मैत्री अस्पताल। चलिए, आज के करंट अफेयर को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन की हम व्याख्या करेंगे, आपके सामने उन सारी बातों को प्रस्तुत किया जाएगा जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो एक बार फिर से मेरी अपील है आपसे कि आप अगर इस सेशन को चाहते हैं ऐसे चलता रहे, तो अपना स्नेह हमको दिखाएं, अपना प्यार हम तक पहुंचाएं, और वो सबसे अच्छे तरीके से पहुंचाया ऐसे जा सकता है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना मैक्सिमम आप कर सके इसको लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम समझ पाएं कि इसका उपयोग कितना है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में अपनी तरह के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? भूमिगत ट्रांसफार्मर है जिसका उद्घाटन किया गया है, और ये कहां पर किया गया है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। भारत ने ये पहली बार ऐसा किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे पहला शब्द आएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी और बैंगलोर महानगर पालिका 500 किलोवाट किलो वोल्ट केवी 500 किलो वोल्ट केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट भूमिगत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने की योजना इसने बना ली है, ये करने जा रहा है। ठीक है, 5 सितंबर को ये घोषणा की गई थी। और 10 फीट नीचे, जमीन के नीचे, वैसे आप देखेंगे ऊपर रखा रहता है ट्रांसफार्मर, ये स्थापित किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
नीले आसमान के लिए। नीला आसमान तब दिखता है जब प्रदूषण नहीं होता है, नीला आसमान तब दिखता है जब स्वच्छ हवा होती है। और नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय स्वच्छ वायु के लिए एक साथ ये रखा गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि कब मनाया जाता है, 7 सितंबर को, है ना। हवा साफ रहे, हवा साफ रहेगी, आप स्वच्छ हवा में सांस लेंगे, हवा साफ रहेगी तो हमारी जिंदगी वैसे ही अच्छी रहेगी, बीमार कम पड़ेंगे। निम्नलिखित में से किस घाट से किस घाट तक सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्तार घाट पड़ता है, गुप्तार घाट से नए घाट तक ये सुविधा शुरू की गई है, क्रूज सेवा 8 सितंबर को ये सेवा शुरू की गई है। 70 से 100 यात्री इस पे बैठ पाएंगे, याद करिए कितने, 70 से 100 यात्री इसमें बैठ पाएंगे। और 5 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ अयोध्या के विकास और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बैठक की थी, उसी में इसकी घोषणा की गई थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निशुल्क डिमेंशिया सहायता लाइन और ऑनलाइन मेमोरी क्लिनिक 5 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया गया। डिमेंशिया एक प्रकार का रोग अगर आप कहें तो ये रोग नहीं होता है, बल्कि याददाश्त, निर्णय, स्मृति, सोच, सामाजिक क्षमताओं को प्रभावित करने वाला एक आप कह सकते हैं एक रोग, इसलिए इसको कह देते हैं। इन चीज़ों को ये प्रभावित करता है और एक लक्षणों का समूह है, कई लक्षण इसके दिखते हैं, कम से कम 2 लक्षण इनमें से कोई दिख जाते हैं तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति डिमेंशिया से प्रभावित है। तो रोग ना कह के ऐसे लक्षण दिखने पे डिमेंशिया बोला जाता है कि इस व्यक्ति को डिमेंशिया हो गया है। दोनों की दोनों बातें ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है मुख्य तौर पर, है ना। कई बार गंभीर चोटों के कारण ऐसा हो जाता है, कई बार कई बीमारियों के कारण ऐसा हो जाता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। अब यहाँ पर आपको याद ये करना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, भारत में साक्षरता दिवस मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है तो किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय, संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए न्यू निर्माण है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 8 सितंबर को मनाया जाता है ये ना भूलिएगा। 26 अक्टूबर 1966 को ये पहली बार घोषणा की गई थी और 67 में पहली बार मनाया गया था। घोषित हुआ है 66 में और मनाया गया है 1967 में, और इस बार की ये थीम रही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना 2022 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई। विश्वविद्यालय का क्या नाम है? गतिशक्ति विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये, कौन बताएगा कहाँ पर है? तो ये है बड़ोदरा में, बड़ोदरा में ये विश्वविद्यालय है, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जीएसबी भी इसको बोलते हैं। एयरबस दुनिया में वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता है, एयरबस सबसे बड़ा निर्माता है। ये बात यहाँ कहाँ से आ गई? तो भारतीय रेलवे के गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है, और एयरबस ने एक समझौता किया है और इसमें दिल्ली में भारतीय विमानन क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू जिसको कहते हैं, ये साइन किया है। दोनों बातें ये सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिजाइन, नवाचार, निर्माण, विकास के लिए ये साझेदारी हुई है, सारी चीज़ें इसमें एक दूसरे से साझा की जाएंगी। एयरबस दुनिया में हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरण का प्रमुख निर्माता है, वाणिज्यिक विमानों का भी सबसे बड़ा निर्माता है। एयरबस कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है, जरा बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसको बताइएगा, जिससे कि आपको क्या नॉलेज है क्या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आप प्रयास कितना करते हैं ये मायने रखता है। प्रयास करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। हाल ही में जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी द्वारा की गई घोषणाओं प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथन, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको चुनना है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। उन्होंने भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री प्रस्ताव पेश किया, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। दूसरा है, उन्होंने दिल्ली तिमोर लेस्ते, ये दिल्ली पड़ता है, इसको दिल्ली भी कभी कई बार बोल देते हैं, ये तिमोर लेस्ते में एक स्थान है, वहाँ पे भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की। और तीसरा स्टेटमेंट है, उन्होंने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत फंड की घोषणा की है। अब यहाँ पहला देखिए, 10 सूत्री या फिर इससे ज़्यादा, तो
फैक्चुअल प्रश्न है ये, 12 सूत्री प्रस्ताव इन्होंने पेश किया, ठीक है, किसने ने, भारतीय प्रधानमंत्री पीएम जो मोदी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने ये किया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, 12 सूत्री भारत की पहल है, भारत के पीएम के द्वारा, तो इसलिए पूछी जा सकती है। और बाकी ये दोनों सही है, दिल्ली ये तिमोर लेस्ते में पड़ता है, ठीक है, तिमोर लेस्ते में ये पड़ता है, और इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द जेंडर स्नैपशॉट 2023, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये रिपोर्ट जो जारी की गई, इसमें कहा गया कि 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने का हमने लक्ष्य तो रख लिया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, हर क्षेत्र में हम महिलाओं के प्रति जो पूर्वाग्रह हैं उनको दूर करना चाहते हैं, जो समानता है वो स्थापित करना चाहते हैं, उसी को लेके द जेंडर स्नैपशॉट 2023 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की गई। लैंगिक समानता के प्रति जितनी भी चीजें हैं जो इसके रास्ते में आती हैं, समानता ना स्थापित हो पाने ऐसा काम जो करती हैं उनको हटाना है, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये पूरा होने की संभावना दिख नहीं रही है, और ये रिपोर्ट जारी की थी संयुक्त राष्ट्र ने। किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र ने यह रिपोर्ट जारी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों के अनुसार सही सुमेलित युग्म है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान इंदौर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान आगरा, आगरा यूपी में है, यूपी में प्रथम स्थान पूछ लिया जाए तो आगरा ही रहेगा अगर ये स्टेटमेंट सही है, और 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान अमरावती, अमरावती कहाँ पर पड़ता है कौन बताएगा? अमरावती आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान इंदौर को दिया गया, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान आगरा का, लेकिन अगर यूपी में पूछ लेगा तो यूपी में प्रथम स्थान किसका है? आगरा का है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमारे ऐप पर जाके, आयुष प्रेप अकेडमी ऐप पर जाके इसको आप जल्द ही प्रैक्टिस कर पाएंगे, बहुत जल्द ही, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन उस पर कंप्लीट कर लें। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है, बीओ और आरओ के कोर्स हमारे पास चल रहे हैं, पीसीएस का कोर्स लॉन्च होने वाला है, पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है, एसए का कोर्स चल रहा है, बहुत सारे कोर्स हैं, और इन सारे कोर्सेज में अगर किसी में आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 14 दिन के मानव भ्रूण जैसा दिखने वाला भ्रूण मॉडल सफलतापूर्वक विकसित किया? 14 दिन का ये मानव भ्रूण जैसा दिखने वाला भ्रूण मॉडल है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ऐसा किया है? कोई भी भारतीय इंस्टीट्यूट नहीं है, खैर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी नहीं बनाया गया है, और यह है वीजमैन इंस्टीट्यूट। वीजमैन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 14 दिन के मानव भ्रूण जैसे दिखने वाले भ्रूण मॉडल को सफलतापूर्वक बनके तैयार कर लिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर समस्या ये होती है, कई बार ये चीज़ें उपचार के लिए, प्रजनन उपचार के लिए, आनुवंशिक रोग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो बहुत उपयोगी होते हैं, लेकिन नैतिकता की जब बात आती है, मॉरलिटी की बात आती है, एथिकल वैल्यू की बात आती है, तो ऐसे प्रयोग कई बार समस्या में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व तभी तक सुरक्षित है जब तक मानवता जिंदा है, और मानवता अगर समाप्त हो गई किसी भी तरीके से आप देखते हैं, अगर वो कम होने लगी तो समस्या हो जाती है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, आप इसको अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबा के जाइएगा। 100 टारगेट हम रख रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन आप चाहें तो वो तुरंत पूरा हो सकता है। हमारी टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको पूरा करें, हमारी टीम चाहती है कि इसको पूरा करें, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता लेकिन हमारी टीम कह रही है कि ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि आप हमारे फैमिली के हैं, और परिवार में कोई बात कहने में क्या गुरेज, कुछ भी नहीं। और इसको आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि हम और अच्छा इसको कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।